सामना ही पूर्ण होती है। तो आप जैसे बिना के बाद में यहाँ की क्या विशेषता? हेलो गाइस, तो आज हम आपको ले चल रहे हैं नेचर की जगह, जहाँ यहाँ बहुत ही अच्छा प्राकृतिक जगह है, पहाड़ है, पर्वत है, पानी है, झरना है। तो चलिए हम आपको यहाँ आके आए हैं गलझर नाथ में। तो चलिए, यहाँ शंकर जी का मंदिर है जो कि हम आपको दिखलाने जा रहे हैं और आपके दर्शन करवा रहे हैं। आप अवश्य आइएगा यहाँ एक बार दर्शन अवश्य। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ श्री सिद्ध गलझर नाथ में आप सभी का स्वागत है। कृपया साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छता अपनाएं, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। तो आप यहाँ आए तो जरूर साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी मंदिर और आश्रम में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमेशा साफ सफाई रखें। तो आप भी आए और शंकर भगवान जो कि यहाँ खुद विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, माता जी विराजमान है, तो आप आए और अवश्य दर्शन करें। यहाँ कई सालों से शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है। तो आज हम आए हैं गलझर नाथ इन आमर तारा धर्मपुरा के पास में। तो आप जरूर आए, यहाँ हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड। यहाँ बारह महीना उस कुंड में पानी रहता है, कभी भी कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, यहाँ का कुंड कभी भी नहीं सूखता। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं उस महाकुंड के। ये रहे हमारे शंकर भगवान राम। यहाँ बहुत ही संभल के आए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है। ये रहा हमारा महाकुंड जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आप भी आए और दर्शन अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं यहाँ के मुख्य पंडित जी से, जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के कर्ता धरता है, उन्हीं से पता करते हैं इस मंदिर के बारे में कि यहाँ की क्या विशेषता है। हाँ दीदी, मैंने बता दिया आप लोगों को, आप यात्री हैं। सुमिर शंभु हेमगिरि सुता नंदन श्री गणराज, चरण कमल बंधो सभी करो सुफल सबका, दया करो माँ शारदा गुरु चरण में ध्यान, गलझर चलीसा कहूँ हर मोर अज्ञान। जय 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 सिद्धेश्वर देवा, अब मुनिजन करह नित्य पद सेवा, जय 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 गलझर के बासी, करो कृपा सब जन सुख राशी। तांडव नृत्य कियो शिव जब ही, तांडव नृत्य कियो शिव जब ही, झरे गले के माला तब ही, कहो शंभु है सिद्ध सुजाना, और मम माला हित करो प्यार। जपो नाम जब नाम उदारा, मिटे मोह जब तब अंधियारा, शिव यज्ञ सुन तुरत सिधाए, अब माला देख अधिक सुख पाए, मन ही मन शिव चरण मनाए, आश्रम गलझर नाम धरा। तुरत शंभु पद पीत बढ़ाई, आश्रम की महिमा कछु गाई, आश्रम के समीप चौपासा, पहुंचत हो अविद्या नासा। तीन कुंड जल के लहराए, असिद्ध शक्ति शिव नाम कहाए, गलझर नाथ तुम ही सब जाने, असिद्ध नाथ सब सुजस बखाने। सिद्ध कुंड में करी स्नाना, अजो जन करे तुम्ही ध्याना, शिव कुंड से जो जल लावे भर, अभोग लगाए करही जो धर, अल्हाई मुक्ति मेट दुख नाना। ध्वजा नारियल लान चढ़ाए, अब प्रभु के सन्मुख अर्ज सुनाए, जो इच्छा जाके मन होई, ताकि कृपा करे सिद्धेश्वर। गलझर नाथ की अमर कहानी, गलझर नाथ की अमर कहानी, जन जन में मूर्खित है बानी, अब भक्त लोग गावे दैताली, गांव गांव घर घर खुशहाली। कष्ट हरन तू है सुखदाता, अब भक्त जनों का भाग विधाता, सत बुद्धि ला दे जन जन में, प्रेम भाव हो सबके मन में। मृत लोक पाताल आकाशा, अचौदिश फैले सुकृत प्रकाशा, तेरे सिवा न दूजा कोई, लाख जतन चाहिए। दीदी, जितना मैं इसके विस्तार रूप से आपको और यहाँ के वृतंत दृष्टांत सुनाने के लिए इच्छा आप लोगों तक पहुँचाने का हार्दिक गलझरनाथ की प्रास आप लोगों तक पहुँचाने का मैं अपनी छोटी वचनों से और आग्रह करता हूँ कि धन आप ऐसे कि पहले यहाँ हम गलझरनाथ से पहले जानकारी लें, फिर वहाँ की महिमा का, फिर वहाँ का आदर्श आओ आप पहुँचाएं, मुझे बहुत हर्ष की बात है।
दीदी धन्ना आज ऐसे मूर्तियों का जो आगमन हुआ, मैं गलसननाथ की चरणों की धूल रहते हुए आप लोगों का दर्शन पाए। बोल दो गलसननाथ महाराज की जय, दीन बजरंग बली की जय, अयोध्या राम ललाई की जय, वृंदावन बलदाऊ जी की। और वहाँ कौन से स्थान है? हाँ, ये ऊपर लिखा है। अरे हम आपके यहाँ दर्शन कराते हैं, प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मंदिर है, यहाँ काली माता जी का मंदिर है। वैसे तो अब जब से पृथ्वी हुई तब से यहाँ तक आदर्श है, लेकिन जो जैसे माई का, माई धाम का जैसे जागरूकता हुआ, उसी तरह से ऐसे बिना किसी प्रत्यक्ष के, प्रमाण के, और वो जागृत नहीं होता। आए और अपनी मनोकामनाएं मांगे, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आप भी आए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सिद्ध महाराज की जय।